बाबा के चश्मे का वो कमाल जिससे सम्मोहित हो जाते थे लोग, लड़कियों को कैसे फंसाता था नारायण साकार हरि। भोले बाबा के दरबार में केवल लड़कियों की होती थी एंट्री, अंदर क्या क्या होता है गांव वालों ने कर दिया खुलासा। हाथरस वाले बाबा पर अचानक मायावती ने योगी से कर दी ऐसी डिमांड, सुनकर अखिलेश यादव भी हो गए परेशान। गौर से देखिए बाबा की आंखों में लगे इस रंगीन चश्मे को, नारायण साकार हरि का असली खेल इसी चश्मे से होता है। बाबा जैसी अपनी आंखों से रंगीन चश्मा हटाता है, देखिए आंखों पर लगा ये काजल, ये कोई आम काजल नहीं बल्कि दावा किया जा रहा है कि उल्लू की आंख से बना हुआ ये काजल है। बाबा के हजारों भक्त हैं जो उन्हें भगवान मानते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बारे में जानकर आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाबा भगवान बनकर सुदर्शन चक्र भी चलाता है। इस वक्त सिनेमा घरों में फिल्म कल्कि लोगों की पहली पसंद बनी हुई है, लेकिन भगवान विष्णु के जिस कल्कि अवतार पर प्रभास की फिल्म बनी है, नारायण साकार हरि खुद को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार बताता है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान कल्कि का अवतार कलयुग में लेंगे, वो सफेद घोड़े में बैठ कर आएंगे, इसलिए नारायण साकार हरि बाबा खुद सफेद कपड़े पहनता है। इसके साथ ही खुद को भगवान विष्णु साबित करने के लिए अपने हाथ में सुदर्शन चक्र भी चलाने का ढोंग रचता है। बाबा का राजस्थान के अलवर में भी आश्रम है, इस आश्रम को लेकर अब कई खुलासे सामने आए हैं, इनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ के लोगों का आरोप है कि बाबा जब आश्रम में आता है तो लड़कियों को बेरोक टोक एंट्री दी जाती है, जबकि गांव वालों को आश्रम में आने से रोक दिया जाता है। आश्रम के आसपास के लोगों ने बताया कि लड़कियों को यहाँ पर बेरोक टोक एंट्री दी जाती है, उन्हें कभी भी आश्रम में आने से नहीं रोका जाता है, लेकिन बाबा जब आश्रम में होता है तो गांव वालों को आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता। अब सवाल है कि आखिर आश्रम के अंदर ऐसा क्या होता था कि सिर्फ लड़कियों को ही एंट्री दी जाती जबकि आम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता था। इस दौरान बाबा की आर्मी और कमांडो पहरा देते थे। आश्रम के अंदर क्या गतिविधियां होती है ये किसी को पता नहीं होता था। आश्रम की गतिविधियों को बहुत ही गुप्त रखा जाता था। लड़कियां तो आराम से आश्रम में आ जा सकती हैं, लेकिन पुरुषों को अंदर आसानी से जाने नहीं दिया जाता था। भोले बाबा के पाखंड का अब एक और पर्दाफाश हुआ है। बाबा हमेशा अपने आंखों में दो तरह के चश्मे लगाता है, एक नॉर्मल और दूसरे रंगीन। बाबा के भक्तों का कहना है कि जब बाबा अपने रंगीन चश्मे से उनके ऊपर दृष्टि डालते हैं तो सारे रोग और दर्द उनके खत्म हो जाते हैं। नारायण साकार हरि खुद के पास दर्शन चक्र होने का दावा करता है, वो खुद को विष्णु का अवतार बताता है जो प्रलय भी ला सकता है। सत्संग में बाबा एडिटिंग करके हाथ के पास चक्र भी घुमाकर दिखाता है, उसके सेवादार सब जगह प्रचार करते हैं कि उसके पास चक्र है और वो उसे घुमा भी सकता है। भक्तों को बाबा पर इतना ज्यादा विश्वास है कि वो आश्रम के बाहर लगे हैंडपंप के पानी को चमत्कारी बताते हैं। 4 दिन के बाद नारायण साकार हरि ने मीडिया के सामने आकर हाथरस हादसे पर जवाब दिया है। बाबा ने सभी 121 पीड़ित परिवारों के लिए दुख जताया है, इसके साथ ही हमेशा उनका साथ देने की बात कही है। बाबा जो भी बोल रहा था खुद से नहीं बल्कि पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ रहे थे। इस पूरे मामले में मायावती अभी तक शांत थी, लेकिन मायावती ने बाबा को लेकर योगी आदित्यनाथ से एक ऐसी डिमांड कर डाली है जिसे सुनकर अखिलेश यादव भी परेशान हो जाएंगे। दरअसल नारायण हरि के साथ अखिलेश यादव की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। मीडिया में जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि बाबा पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में 2 बाबा हैं, किस पर कार्रवाई आप चाहते हैं, और ये कहकर अखिलेश यादव ने सवाल का जवाब नहीं दिया और टाल कर चले गए। ऐसे भी आरोप लगते हैं कि अखिलेश यादव सरकार में बाबा को खूब रियायत मिली, यहां तक कि खुद अखिलेश यादव भी दरबार में जाकर जयकारे लगाते थे, लेकिन अब मायावती ने जाटो बाबा नारायण सरकार के खिलाफ योगी से डिमांड कर दी है। यूपी की राजनीति में मायावती हमेशा जाटो वोट बैंक को आधार बनाकर अपनी राजनीति करती रही। इसी जाटो समाज से बाबा आता है। करीब 12% जाटो के साथ 25% बहुजन वोट बैंक पर मायावती अपना कब्जा मानती है। बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद से ही धार्मिक आडंबर और भेदभाव के खिलाफ मोर्चा खोला गया, इसीलिए भी जाटो समाज से निकलकर धर्म की पिच पर अपना अलग स्थान बनाने वाला सूरजपाल सिंह जाटो और भोले बाबा मायावती को बिल्कुल भी रास नहीं आया। पिछले कुछ दिनों से भोले बाबा के रिश्ते कई बीजेपी और सपा के नेताओं से निकले हैं, इससे मायावती समझ गई हैं कि पश्चिमी यूपी में हार की वजह उनकी पार्टी की राह में रोड़ा यही बाबा बन रहा है।
बीजेपी और सपा के नेता तो बाबा के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अब मायावती ने बाबा के खिलाफ बोलकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। मायावती ने धर्म के नाम पर आडंबर और प्रचार फैलाने वालों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। मायावती ने लोगों से अपील की है कि पाखंडी बाबा और धर्म गुरुओं के चक्कर में ना पड़े और सीएम योगी से कार्रवाई की मांग की है। मायावती खुद पिछड़े और दलित समाज से आती है, इसलिए वो जानती है कि कैसे दलित समाज के साथ उनके ही जाति के लोग शोषण करते हैं। जो सूरजपाल कभी यूपी पुलिस का सिपाही था, जो सूरजपाल आम जनता की कभी नौकरी करता था, अब वही जनता का भगवान खुद को बता रहा है। लेकिन 5000 की सिपाही की नौकरी करने वाला बाबा कैसे यहां तक पहुंचा, अगले एक मिनट में पूरी कहानी आपको समझाते हैं। 1999 में पुलिस की नौकरी छोड़कर अपना आश्रम शुरू करने के बाद सूरजपाल ने नारायण साकार हरि अपना नाम रख लिया। इसके बाद मंदिरों की जगह मानव कल्याण को पूजा बताता था, लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। बाबा दूसरों के पाखंड का विरोध करता था, लेकिन खुद पाखंड करने लगा। देखते ही देखते 100 करोड़ से ज्यादा की दौलत का मालिक बन गया। इसके बाद खुद को भगवान विष्णु का अवतार बताने लगा। नारायण साईं पर अब महिला सेवादारों ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बाबा के आश्रम की कई लड़कियों ने बाबा के खिलाफ बयान दिए हैं। लड़कियों के साथ क्या क्या आश्रम में बाबा करता था और क्या करवाता था, पूरी कहानी खुलकर सामने आ रही है। बाबा के आश्रम के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि अगर आश्रम की दीवारें गिराई जाएं तो कंकाल भी निकलकर सामने आ सकते हैं। योगी की पुलिस ने अभी तक नारायण साकार को आरोपी नहीं बनाया, लेकिन बाबा के खिलाफ हर वो सबूत तलाश रही है जिससे अगर बाबा एक बार पकड़ा जाए तो बचने का कोई भी रास्ता उसके पास ना बचे। जो लोग कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर शांत नहीं है बल्कि इंतजार कर रहा है, क्योंकि बाबा के खिलाफ जितने सबूत मिलेंगे उतनी ही गहरी सलाखों के अंदर जाएगा।